वेलकम टू दिशास होम रेसिपी फ्रेंड्स, आज हम बनाने जाएंगे सेव पूरी। सेव पूरी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने ये 4 से 5 बड़े आलू बॉईल कर लिए हैं। फिर ये पूरीस चाहिए हमें बनाने के लिए। ये देसी चना हमने बॉईल कर लिया है 1 कटोरी जितना। ये धनिया पुदीने की चटनी, खजूर इमली की चटनी, गार्निशिंग के लिए धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, चाट मसाला और ये नमक और ये नायलॉन सेब और गार्निशिंग के लिए ये ओनियंस। ओनियंस ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालिए। अब सबसे पहले हम सेव पूरी बनाने के लिए ये पोटैटोज को मैश कर लेंगे। अब ये देखिए, हम ये आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे और अब हम इसमें ये आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये चने मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा काला नमक और ये थोड़ा चाट मसाला और धनिया। और अब हम इस मसाले को रेडी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए, अब हमारा ये आलू और छोले का मसाला रेडी हो गया है। अब हम सेव पूरी बनाएंगे। अब देखिए, अब हम ये पूड़ियाँ लेंगे। ये मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ लेनी है और अब हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे और ये आलू का मसाला इसमें डालेंगे। इसी तरह से सभी पूड़ियों को तोड़ना है और आलू का मसाला उसमें फिल करना है। देखिए, हमने ये सारी पूड़ियों को आलू और छोले के मसाले से फिल कर दिया। अब हम इसमें सबसे पहले ग्रीन चटनी डालेंगे। इस तरीके से सभी पूड़ियों में ग्रीन चटनी डाल दीजिए। फिर हम इसमें खजूर इमली की चटनी डालेंगे। अभी हम खजूर इमली की चटनी इसमें डालेंगे। आपको जैसा टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से चटनी डालिए। आप इसमें चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये हमने डाल दिए खजूर इमली की चटनी। अब हम इसमें ये ओनियंस डालेंगे। ओनियंस भी ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो नहीं डालिए। अब हम इसमें ये नायलॉन सेव डालेंगे। और ये चाट मसाला इस पे थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे। ये हमारी चटपटी सेव पूरी रेडी। अगर आपको मेरी ये चटपटी सेव पूरी की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।